Hello everyone, this is our 16th tutorial in which we are going to start CSS. सबसे पहले हम देखते हैं CSS का क्या मतलब है. CSS stand for Cascade Styling Sheet. किसी भी वेब पेज में आप तीन तरह से CSS ऐड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इनलाइन स्टाइलिंग, सेकेंड वन इज़ इंटरनल स्टाइलिंग एंड थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल स्टाइलिंग. तो हम तीनों को इस ट्यूटोरियल में देखेंगे. यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग वन और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं. दिस इज हेडिंग वन और राइट आफ्टर हेडिंग वन हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिखेंगे और विद इन द पी टैग यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ का डाटा लिखेंगे. तो यहाँ पे आके मैंने डाटा कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव एंड रिफ्रेश. तो यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आएगी, दिस इज हेडिंग वन, और यहाँ पे आपको पैराग्राफ नज़र आएगा. लेट्स ऐड सम इमेज इन इट. यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं. तो वही इसका पुराना वही मेथड कि यहाँ पे हम फोल्डर मेंशन करेंगे और फोल्डर में हम अपनी फाइल नेम मेंशन करेंगे और इमेज टैग क्लोज, सेव एंड रिफ्रेश. और दिस इज़ वेरी बिग इमेज, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे. एंड वी नो दैट हाउ टू मेक इट स्मॉलर. तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे विड्थ इज इक्वल 300 और हाइट हम लिख देते हैं 150 px. सेव एंड रिफ्रेश. ओके, नाउ दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ इन लाइन स्टाइलिंग वर्क्स. तो पहले हम देखते हैं इन लाइनिंग स्टाइलिंग किस तरह होती है. इन लाइन स्टाइलिंग में आपको करना ये होता है कि जिस टैग को आपने स्टाइल करना है वहाँ पे जाके आप लिखेंगे स्टाइल. लेट्स सपोज मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड. सेव रिफ्रेश. तो हेडिंग का कलर रेड हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे जाके इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली एरियल. सेव एंड रिफ्रेश. नो दिस इज लुकिंग इन एरियल और इसका कलर हो गया रेड. इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं या इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको इन लाइन जाकर, इन लाइन का मतलब कि जिस टैग पे आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके एट्रीब्यूट्स लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लिखता हूँ बैकग्राउंड स्काई ब्लू. तो इस पूरे पैराग्राफ का कलर स्काई ब्लू हो जाएगा. और इसमें हम पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, पैडिंग फॉर एग्जांपल 10 px. सेव एंड रिफ्रेश. तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेस नज़र आएंगे फ्रॉम टॉप राइट लेफ्ट एंड बॉटम. तो दीज आर द स्पेसेस दैट आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ पैडिंग. उसके बाद हम इमेज में जाके स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप इन द सेम केस यहाँ पे जाके आप लिखेंगे स्टाइल और स्टाइल के अंदर आप ये वाली वैल्यूज यानी कि विड्थ और हाइट भी रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे इसको मैं रिमूव करता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश. और इसकी भी हम इन लाइन स्टाइलिंग करेंगे. स्टाइल स्टाइल में जाके हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू चेंज इट्स विड्थ. विड्थ मस्ट बी 250 px एंड हाइट मस्ट बी 150 px. सेव एंड रिफ्रेश. और इस इज लुकिंग सम ब्यूटीफुल. ओके, तो ये इन लाइन स्टाइलिंग का काम है कि जिस चीज़ को आपने चेंज करना है आप उसकी इन लाइन में जाके वहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपकी बिल्कुल सही से वर्किंग करेगी. इन लाइन के बाद अब हम देखते हैं इंटरनल स्टाइलिंग. इंटरनल स्टाइलिंग के लिए आपको स्टाइल में जाना होता है और जिस चीज़ को आपने टारगेट करना है, लेट्स सपोज हमने हाइट वन को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे सॉरी हेडिंग वन को टारगेट करना है तो हम लिखेंगे H1. उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारी ये प्रॉपर्टीज़ थी. लेट्स सपोज मैं इसको लिख देता हूँ कुछ ऐसे. तो यहाँ पे जाके आपने जो लिखा था कलर रेड, इसको यहाँ पे कट कर दें, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें. फिर फॉन्ट फैमिली आपने एरियल किया था, यहाँ पे जाके कट कर दें, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें और इसको यहाँ पे रिमूव कर दें. सेव करें. अगर इसको रिफ्रेश करने से आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये वाली बिल्कुल सही से वर्किंग कर रही है. सेव एंड रिफ्रेश. नाउ दिस इज देर इज़ नो चेंज इन दिस. तो इसका मतलब ये वर्किंग बिल्कुल सही से हुई है. इसका आपको मैं प्रूफ देता हूँ थोड़ा सा. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ इसमें बैकग्राउंड ब्लैक, सेव एंड रिफ्रेश,
तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा और फॉन्ट फैमिली इसकी एरियल हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके वेब पेजेस में बहुत ज़्यादा हेडिंग्स हो, बजाय इसके कि हम बारी बारी जाके हेडिंग वन हेडिंग वन हेडिंग वन सब में जाके चीज़ें अप्लाई करें, हम सिर्फ स्टाइल में जाके एक ही दफ़ा उसको कॉल करेंगे, उसको टारगेट करेंगे और वैल्यू अप्लाई कर देंगे। इन द सेम सेंस अगर आप पैराग्राफ को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके, यहाँ पर जाएँ, पी टैग लिखें, हम उसको टारगेट कर रहे हैं, और उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से कट कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, पैडिंग यहाँ पे कट कर दें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें और इसको रिमूव कर दें क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश। नाउ दिस इज लुकिंग एंड इन द सेम सेंस एज वी हैव डन इट इन इंटरनल इन लाइन स्टाइलिंग। तो लेट्स सपोज इसमें हम लिख देते हैं कलर वाइट, सेव एंड रिफ्रेश, तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि स्टाइल के अंदर जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो वर्किंग कर रही हैं, किसी भी किस्म की कोई एरर नहीं आ रही। सेव एंड रिफ्रेश। उसके बाद है आपका इमेज, आप इमेज को भी इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी इन लाइन स्टाइलिंग थी कि जहाँ पे हमने विड्थ मेंशन की, मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके हम टारगेट करते हैं IMG को, यानी हम इमेज को टारगेट करेंगे। तो मैंने इसको, इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। इसका मतलब अगर यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ पे जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वर्किंग करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इनलाइन वैल्यूज़ रिमूव कर दी लेकिन आप इंटरनल वैल्यूज़ तो लिख रहे हैं, तो इस तरह से ये आपका बिल्कुल सही से वर्किंग करेगा। और हमारी थर्ड चीज़ है एक्सटर्नल CSS, कि हम एक्सटर्नल CSS को किस तरह कंट्रोल करेंगे। एक्सटर्नल CSS का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव क्योंकि ये हमें वैल्यूज़ यहाँ से नहीं चाहिए, बल्कि इसको कॉपी करके मैं किसी और जगह पे जाके पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए, और इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो स्टाइल इसमें यूज़ नहीं होता। जब आपने एक्सटर्नल CSS करना होता है तो जस्ट आप हेड के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाके आप लिखते हैं लिंक रेल, रेल मतलब रिलेटिव, लिंक रेल इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट, लिंक रेल इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट। फिर आप लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दैट फाइल, द टाइप ऑफ दैट फाइल इज़ टेक्स्ट स्लैश CSS, यानी वो टेक्स्ट भी हो सकता है और CSS एक्सटेंशन की फाइल भी हो सकती है। फिर आप यहाँ पे जाके लिखेंगे href इज इक्वल, अब यहाँ पे एक ख़ास वैल्यू आएगी और वो ख़ास वैल्यू क्या होगी, आपने एक न्यू फाइल बनानी है। और न्यू फाइल कैसे बनानी है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है तो वो न्यू फाइल आ जाएगी, यहाँ पे आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपने जो यहाँ पे जो डाटा कट किया था ना, जो यहाँ पे आपने पेस्ट किया था। अब रही बात कि इसको CSS में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो आप इसे सेव करें जहाँ पे आपकी ये वाली चीज़ें पड़ी हैं, तो वेब डेवलपमेंट फोल्डर है जिसमें आपकी ये वाली फाइल पड़ी है, और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे अपनी CSS का नाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल डॉट CSS। जब भी आप फाइल नेम लिखेंगे तो आप बाद में डॉट CSS ज़रूर लिखें, डॉट CSS इज़ द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल। तो एक्सटर्नल डॉट CSS लिख के मैं इसको सेव करूँगा। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो आपको कुछ इस किस्म की चेंजिंग नज़र आएंगी, तो इसका मतलब कि हमारी वर्किंग सही से सेव हो चुकी है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फाइल, द नेम ऑफ दैट फाइल वाज एक्सटर्नल डॉट CSS। इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखें आपकी एट्रीब्यूट्स जो वैल्यूज़ वो चेंज नहीं होंगी। मैं आपको एक डेमो देता हूँ छोटा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये वो आपका फोल्डर है जहाँ पे इमेजेस थे, इंडेक्स था, और यहाँ पे आपने एक्सटर्नल डॉट CSS के नाम से एक फ़ाइल बनाई थी। अगर मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फाइल का नेम तो लिख देता हूँ, देखिए आपके सामने मैं लिखा हुआ लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS HRF इज इक्वल टू एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल मैंने लिख दिया लेकिन फाइल की एक्सटेंशन कौन सी है, फाइल की एक्सटेंशन है डॉट CSS, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। यहाँ पे मैंने फाइल की एक्सटेंशन मेंशन नहीं की। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सारे का सारा लेआउट ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, इस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, और इमेज पे भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। तो हमने क्या किया, हमने एक अलहदा फाइल बनाई जिसमें हमने H1 को कंट्रोल किया, पैराग्राफ को कंट्रोल किया, इमेज को कंट्रोल किया, और उस फाइल का लिंक हमने यहाँ पे दे दिया, और फाइल का लिंक था HRF इज इक्वल टू एक्सटर्नल डॉट CSS। इसको मैं करता हूँ सेव,
इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो जो हमारी वर्किंग हुई थी इन लाइन स्टाइलिंग के साथ वो भी ये रिज़ल्ट दे रही थी। हमने इंटरनल के साथ देखा स्टाइल के अंदर, उसने भी यही हमें आउटपुट दी, और हमने एक्सटर्नल को देखा तो वो भी हमें यही आउटपुट देता है। अब रहा क्वेश्चन ये कि हम इन लाइन यूज़ करेंगे, इंटरनल यूज़ करेंगे या एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि अगर तो आपका वेब पेज बहुत छोटा सा है, उसमें एक ही हेडिंग है, एक ही पैराग्राफ है, एक ही इमेज है, तो आप इन लाइन स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक या एक से ज़्यादा हेडिंग, दो या दो से ज़्यादा पैराग्राफ्स, दो या दो से ज़्यादा इमेजेस हैं, तो फिर आप इंटरनल यूज़ करें स्टाइल में जाके। और अगर आपके वेब पेजेस में बहुत ज़्यादा हेडिंग्स, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स, बहुत ज़्यादा डाटा है, या ये कह लें कि अगर आपकी वेबसाइट कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा हेडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हैं, बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, तो फिर आप एक्सटर्नल को यूज़ करें। एक्सटर्नल का फ़ायदा ये होता है कि आपकी सारी वर्किंग एक्सटर्नल में सेव होती है। और देखिए यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग नज़र नहीं आ रही, ये वाली कोडिंग हमने कलहदा सेव करके रखी हुई है किसी फाइल में, उस फाइल को हमने लिंक करवा दिया इसके साथ। तो जो चेंजिंग यहाँ पे होती जाएंगी उसकी आउटपुट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। मैं आपको एक और छोटा सा डेमो देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ बॉडी, और बॉडी का हम बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिनन। तो मैंने इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो देखिए बॉडी का कलर आपका ये लिनन हो गया। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज। सेव एंड रिफ्रेश, तो आपको ऑरेंज कलर में चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये हमारा ट्यूटोरियल था। सो कीप प्रैक्टिस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।